श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ आणि वीर वुमन फाउंडेशनच्या वतीने मास्टर शेफ या पाककला स्पर्धेचा दुसरा पर्व मंगळवारी संपन्न झाला. या स्पर्धेत मेघना भानुशाली यांनी प्रथम क्रमांक पटकावून मास्टर शेफ सीझन 2 विजयी होण्याचा मान पटकावला. ही स्पर्धा भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर आणि माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली असून कैलासवासी सचिन सचदेव यांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आला होता. वीर वुमन फाउंडेशनच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रम सातत्याने राबवले जातात. या अंतर्गत श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून वीर वुमन फाउंडेशन कैलासवासी सचिन सचदेव यांच्या स्मरणार्थ मास्टर शेफ या पाककला स्पर्धेचा दुसरा पर्व मार्केट यार्ड येथील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. या स्पर्धेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून यामध्ये 48 महिलांनी सहभाग घेत आपली पाककला सादर केली. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मेघना भानुशाली, द्वितीय क्रमांक बिंदी पटेल, तृतीय क्रमांक जयश्री मेघनाळी, चौथा क्रमांक सुचिता म्हात्रे आणि पाचवा क्रमांक गौरी राजे यांनी पटकावला. सर्व विजेत्या स्पर्धकांना आमदार प्रशांत ठाकूर आणि सभागृहनेते परेश ठाकूर, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते बक्षिसं देऊन गौरवण्यात आलं. या स्पर्धेचं परीक्षण शेफ योगेश शर्मा, साजिद देशमुख यांनी केलं. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सिद्धार्थ वांठिया, पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, वर्षा प्रशांत ठाकूर, अर्चना परेश ठाकूर, माजी नगरसेविका दर्शना भोईर, रुचिता लोंडे, मंदा भगत, नंदलाल सचदेव, भारती सचदेव, भाजपचे प्रभाग क्रमांक 19 अध्यक्ष पवन सोनी, युवा मोर्चाचे पनवेल शहर अध्यक्ष सुमित झुंजाराव, वीर वुमन फाउंडेशनच्या सीमा जैन, श्रुती निसर, अर्चना सोनी, नम्रता बांठिया, सिंपल जैन, कीर्ती मुनोत, पूनम जैन, अलका मेहता यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपली मनोगते व्यक्त करून सचिन सचदेव यांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांना अभिवादन केलं. कई समय तक हमने देखा है बचपन से खाने पीने की जो आदतें हमें यहाँ पर जुड़ चुकी है तो 30 के बाद 35 के बाद वो आदतें छुट्टी नहीं, जिसका जिक्र यहाँ पर हमारे अनिल भगत जी ने किया कि नॉनवेज की कई बार आदत लग जाती है. तो कई लोग ऐसे हैं कि नॉनवेज के बिना दिन नहीं निकलता है, पर हमारे स्टेज पर भी ऐसे उदाहरण है कि नॉनवेज छोड़कर भी काफी समय तक वो कहां देख रहे हैं. बहुत खुशी से ऐसे वेजिटेरियन डिशेस के साथ हम लोग गुजारा कर लेते हैं. परेश ठाकुर जी एक एग्जांपल है कि 9 नवरात्रि के उन्होंने सिर्फ जूसेस पे निकाले, तो अगर वो ये कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम में से कई सारे लोग इसको कर सकते हैं. और आने वाले समय में ये बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं. दुनिया में देखना चाहते हैं कि लोगों की सेहत में को फायदा हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये कम हो जाए, पर अपने से शुरुआत करने में हम बहुत बार कतराते हैं. मुझे लगता है कि आपका ये इनिशिएटिव कई सारे लोगों को ये प्रेरणा देकर रहेगा. आज जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उनको, जो जीतेंगे उनको, सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद तो दूंगा, पर इस आयोजन में हिस्सा लेने का अवसर जिनकी वजह से मिला वो वीर वुमन फाउंडेशन को, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया. आने वाले समय में ये मिलेट और मिलेट की डिशेस एक मूवमेंट बनकर पनवेल से आगे बढ़े, इसके लिए आज का ये प्रतियोगिता आज की कामयाब होकर रहेगी. सचिन सचदेव जिनकी मेमोरी में आज ये प्रोग्राम रखा गया, यहाँ पर बैठे हुए कई सारे लोग उनसे खुद जुड़ चुके थे, तो उनका चेहरा जब सामने लाते हैं तो खुशी के सिवा कुछ सामने नहीं आता था कि उनसे जुड़ी कितनी सारी बहुत अच्छी यादें हम सभी के पास में है. मैं समझता हूँ कि ऐसे कंपटीशन को उनके साथ जोड़ा जाना एक बहुत ही हमारे मन के लिए सुखद संयोग है, सुखद संयोग है. तो यही संयोग आने वाले समय में इसी तरीके से बना रहे. उनके उनसे जुड़ी कई सारी अच्छी यादें हमारे मन को और ज़्यादा खुशी देती रहे और समय के लिए खुशी देती रहे. ऐसा मौका आज यहाँ पर अरेंजमेंट
के जमाने की एक बहुत बड़ी जरूरत ऐसे हमारे सामने आई हुई है। आज हम जो खाते हैं, हमारे राइस होगा या बाकी सारे चीजें होंगी, तो ये चीजों के लिए जितना पेस्टिसाइड लगता है, जितनी उसके लिए जगह लगती है, उसके लिए जितना पानी लगता है, तो उसकी वजह से आज जमीन की प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जा रही है। और उसके साथ में हमारा खुद का बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हमारी शुगर लेवल है, इस पे बहुत गलत असर ये चीजों की वजह से होता है। और उसी की वजह से यहाँ पे अभी मिलेट्स खाने के लिए यहाँ पे जो जरूरत है वो सबके सामने आने लगी। आज तक डॉक्टर हमेशा बताते थे कि मिलेट्स खाना कितना जरूरी है, जिसके वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा ही, आपका शुगर लेवल भी कम होगा, पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए फिर चलो कैसे खाएंगे ऐसा हमेशा सोचा जाता था। तो उसके लिए आज यहाँ पे मास्टर शेफ की ओर से मिलेट कंसेप्ट पे यहाँ पे ये कंपटीशन रखा हुआ है। सच्ची में वीर वुमन्स फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे सबके सामने लाया हुआ है। ये कंसेप्ट अच्छा है, इसी की वजह से भारत सरकार के दरख्वास्त पे यूनाइटेड नेशन ने 2023 ये मिलेट्स ईयर ये अनाउंस किया हुआ था। और सच्ची में यहाँ पे मास्टर शेफ ने जो काम किया, मास्टर शेफ के द्वारा वीर वुमन फाउंडेशन ने जो यहाँ पे काम किया हुआ है, ये वक्त की जरूरत ये सामने यहाँ पे आई हुई है। और मिलेट से भी एक स्वादिष्ट खाना हो सकता है, यही सामने ये चीज आए। और यहाँ पे अच्छे अच्छे खाना बनाने वाले जो है, जो खाना बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे सामने आए, उनको भी यहाँ पे व्यासपीठ मिले, एक अच्छा उनके उन पे भी फोकस आए। इसके लिए यहाँ पे ये जो मास्टर शेफ सीजन 2 ये स्पर्धा इन्होंने रखी हुई है, तो उसके लिए मैं वीर वुमन फाउंडेशन का यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ। इसके आगे भी आप इसी तरीके से अच्छे ऐसे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन आप लाइए। आपने इसके पहले भी इसके साथ में ही कैंसर के लिए भी आपने कैंसर डिटेक्शन कैंप भी आपने रखे हुए थे, बाकी प्रोग्राम भी आप रखते हैं, तो इसी तरीके के कार्यक्रम आप हमेशा रखते जाइए और हम सबका सहयोग आपको होगा ही। इस मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन के लिए हमने दो जजेस जो चुनकर आमंत्रित किए, मतलब हमको 10-15 दिन तो जजेस चुनने में लगे, क्योंकि वेरी पुराइंग है, जो हकीकत है वो मैं बता रही हूँ। हमने पनवेल के जो भी जजेस थे उनको नहीं चुना, और ये दोनों ही जजेस शेफ साजिश जी और शेफ योगेश जी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मशहूर है। दोनों ही जजेस के एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस की वजह से अपने इस मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन का भी एक लेवल बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि उनका सिलेक्शन भी वैसे था। और इन दोनों ही जजेस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम, आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल कर हमें यहाँ इस इवेंट के लिए पूरी सहायता की। आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड आई लाइक टू वेलकम देम वंस अगेन बोथ द जजेस। शायद जजेस अभी तक अंदर डिसीजन कर रहे हैं, ओके। साथ ही में आज का ये कॉम्पिटिशन जो था वो पनवेल के पूर्व सभागृह नेता परिजीत ठाकुर, इनके मन में ये था कि ये कॉम्पिटिशन लिया जाए उनके प्यारे दोस्त सचिन जी के याद में। दिस इज बेसिकली इन द लविंग मेमोरी ऑफ लेट श्री सचिन जी सचदेव। सचिन जी को पनवेल में कौन नहीं जानता, वो एक बहुत ही अच्छे मशहूर उद्योजक और होटेलियर थे, एक हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा ये उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। और न्यू पंजाब के सुरुचि भोजन की वजह से वो पनवेल में सभी के दिलों में राज करते थे, आज भी करते हैं, एंड सभी के मेमोरीज में वो हमेशा रहेंगे। वी मिस हिम ग्रेटली एंड गॉड ब्लेस हिम। आज इस कॉम्पिटिशन के द्वारा हमने उनको एक याद किया है अच्छे से, एंड इस कॉम्पिटिशन की वजह से सभी लेडीज को एक बहुत ही अच्छा अपना कुकिंग टैलेंट और क्रिएटिविटी बताने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे मैं आशा करती हूँ।